मनोज ठाकुर, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और आज हमारे बीच में जो शख्सियत यहां पर आई हुई है उनसे आपको मिलवाने वाले हैं और काफी खास पर्सनैलिटी ये है। कुछ दिनों पहले इनका एक बेहतरीन गाना आया है। सबसे पहले मैं नाम बताना चाहूंगा, अजय भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। थैंक यू सो मच। तो अभी कुछ ही दिनों पहले आपका एक सुपर मतलब धार्मिक गाना आया है, बहुत ही बढ़िया, शूलिनी मैया पर। पहली बार किसी ने ये एफर्ट किया कि शूलिनी मैया पर गाना बनाया। तो सबसे पहले तो शुरुआत करना चाहेंगे आपकी स्कूल लाइफ से और आज हम आपके जीवन के सारे पहलुओं को खोलने वाले हैं कि कैसे आप बड़े हुए, कैसी आपकी स्कूलिंग हुई, कैसे म्यूजिक में आपका आना हुआ। तो दिल खोलकर आज सारी बातें की जाएगी। तो अजय भाई, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि बचपन में आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? जय माता दी। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ लाइफ टाइम टीवी का जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में आने का। मैं दिल से इनका धन्यवाद करूँगा। तो सर, मैं बताना चाहूँगा, मेरी स्कूलिंग शुरू हुई थी चिन्मय विद्यालय नौनी से और लगभग फोर्थ क्लास तक मैं चिन्मय विद्यालय में पढ़ा हूँ जी। उसके बाद फोर्थ क्लास के बाद मेरी फिफ्थ क्लास से स्कूलिंग शुरू हुई है गीतादर्श विद्यालय जो सोलन में ठोडो ग्राउंड के समीप है जी, वहाँ से मैंने अपनी प्लस टू कम्प्लीट की है। उसके बाद थोड़ा सा ट्रैक मेरा चेंज हुआ और प्लस टू के बाद मैं इंजीनियरिंग के लिए हमीरपुर गए। बिल्कुल, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अजय भाई, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो ट्रैक निकाला है अभी आपने शूलिनी मैया पर जी, तो इसके लिए आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ और इस ट्रैक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि शूलिनी मैया जो इस भजन का टाइटल भी शूलिनी मैया ही है, ये दरअसल जब मैं मेरा एक पहले भी भजन रिलीज हुआ था कांगड़े दी माता करके जी जी, तो उस समय एक निजी चैनल पर मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ से ये बात शुरू हुई थी कि मैं सोलन से हूँ तो मुझे सोलन फोक करना चाहिए और जो यहाँ के स्थानीय जो जैसे फोक है उसे उठाना चाहिए, उसे गाना चाहिए। तो फिर वो थोड़ा सा कुछ सोचता रहा, जैसे जो भी अपना एक मेरा चल रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो कुछ माता रानी की शूलिनी मैया की ऐसी कृपा हुई कि वो ध्यान कुछ माता रानी की तरफ गया और ध्यान आया कि आज दिन तक शूलिनी माता पर कोई भजन नहीं बना। ऐसा क्यों? अरे भाई, ऐसा क्यों कि आज दिन तक शूलिनी माता पर भजन नहीं बना? इस बात के लिए मैं इस बात को ज़्यादा इसकी डेप्थ में ना जाकर खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ और माता रानी का मुझे आदेश हुआ है, मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहूँगा कि और माता रानी का दिल की गहराइयों से माता रानी के चरणों में मेरा चचत नमन है कि माता रानी ने मुझे इतना बड़ा एक अवसर प्रदान किया है और बहुत कृपा माता रानी की मुझ पर है जी। तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई कि मैंने एक सोचा कि नहीं, मैं माता रानी पर एक भजन बनाऊंगा और एक अच्छे स्तर का इस भजन को हम बनाएंगे जी। अजय जी, हर एक ट्रैक के पीछे कुछ ना कुछ कहानी जुड़ी होती है, स्टोरी जुड़ी होती है। तो ये जो अभी आपका भजन आया, इससे पहले भी आपके भजन आ चुके हैं, पंजाबी गाने भी आ चुके हैं, तो ये जो भजन आया इसके पीछे की क्या स्टोरी थी, आप कुछ बताना चाहेंगे? कुछ खास पल होते हैं जी, बिल्कुल, स्टोरी लाइन होती है उससे बेस्ड कुछ, या कुछ शूटिंग के दौरान कुछ ऐसे पल जो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहें? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि जो एक स्टोरी के पीछे जो कुछ बातें होती हैं उसे मैं शेयर करना चाहूँगा। स्कूल टाइम से मेरा एक अपना वो रहता था कि हाँ, मैं म्यूजिक की तरफ लगभग 12-13 सालों से मैं जुड़ा हूँ म्यूजिक से। तो स्कूल टाइम में भी मतलब म्यूजिक में चलता था, ऑडिशंस चलते थे एक और आप दो बार नेशनल भी जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल में आपको बताना चाहूँगा दो बार वोकल में जो है वो नेशनलिस्ट रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दो बार ही स्कूल लेवल पे दो बार नेशनल्स एज अ वोकल वहाँ रिप्रेजेंट अपने स्कूल को मैंने किया। तो वहाँ भी रहता था कि हम अपना मतलब ऑडिशंस को लेकर बड़े ज़्यादा उत्सुक हम रहते थे, तो ऑडिशंस के लिए जाते थे, निराशा भी होती थी कई बार, निराशा भी हाथ लगती थी, तो बहुत ऐसा ये लंबे समय तक चलता रहा जी जी। बीच में सफ़र कुछ इस तरीके से मेरा चला कि मैं बिल्कुल निराश हो गया था कि मैंने नहीं, म्यूज़िक में कुछ भी आगे नहीं करना। और मैंने उस टाइम ये ठाना कि नहीं, मैं वोकल नहीं करूँगा, मैं इंस्ट्रूमेंट करूँगा जी। और मैंने कुछ टाइम के लिए एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है सैक्सोफोन जी, मैं उसकी मैंने क्लासेस लेना शुरू करा श्री परमानंद कश्यप जी, बहुत अच्छे हिमाचल के और पूरे इंडिया के अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ उसे प्ले करते हैं श्री परमानंद कश्यप जी, उनसे मैंने इसकी क्लासेस शुरू करी। लेकिन
वो धीरे 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 वो कुछ वो ऐसा बनता रहा कि वो वोकल पे उस चीज़ का थोड़ा सा असर आपकी आपकी अगर लाइफ की पहलुओं की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मोड़ जो है वो आपकी लाइफ में आए हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। खैर एक बार फिर से मैं पॉइंट पर आना चाहूँगा, स्टोरी लाइन की हम बात कर रहे थे कि क्या स्टोरी रही थी इस शूलिनी मैया का जो ट्रैक निकाला जी। बिल्कुल मैं बता दूँ, तो जिस टाइम ये शुरुआत मेरे मन में इसका ख्याल आया कि मैं शूलिनी मैया पर एक भजन बनाना चाहूँगा और एक अच्छे स्तर का बनाना चाहूँगा, इसका जिक्र मैंने जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं श्री अभिषेक जी उनसे मैंने इसका जिक्र किया जी। और उनके फादर भी माँ के पुजारी हैं और उनके दादाजी भी, मतलब उनका पूरा जो कुल है वो माता रानी से जुड़ा हुआ है, उनसे मैंने इस बात का जिक्र किया कि मैं इस तरीके का कुछ करना चाह रहा हूँ, तो मैं माता रानी से भी इस चीज़ की आज्ञा लेना चाहूँगा और आप जो कुल आपका जुड़ा है उनसे भी मैं इस चीज़ की परमिशन लेना चाहूँगा जी जी। तो उन्होंने मुझे कहा, जो भी माता रानी की हिस्ट्री उन्होंने बताई वो मैंने साझा की, जो मेरे लिरिक्स राइटर हैं अश्विनी जी, मैंने उनसे साझा किया अपने लिरिक्स को और उस हिस्ट्री को, तो उस पर एक हमने पूरा एक लिरिक्स तैयार कर लिया माता रानी के। वहाँ से स्टूडियो की तरफ जब मेरा हुआ, जिस दिन हमने रिकॉर्डिंग के लिए पहुँचना था भैरवी स्टूडियो श्री परमजीत पम्मी जी के पास जी जी, तो लगभग रात को, मुझे आज भी याद है, जिस आज से लगभग 2 महीने पहले जब हम इसे रिकॉर्ड करने के लिए गए थे तो लगभग हमने 4 घंटे सिटिंग देकर इसकी लिरिक्स को भी चेंज किया था थोड़ा सा और कॉम्पोजिशन हमने बैठ के बनाई थी मैंने और परमजीत सर ने बैठ के, और रात के लगभग 2:30 हमें बज चुके थे वो। तो ऐसा ही शेड्यूल रहता है अगर मैं बात करूं पम्मी जी की जी। कि रात के 2:30 बजे या 3 बजे, कुछ लोग कहते हैं कि रात के टाइम पे जो है वो क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, जैसे सतेंद्र सरताज भी कहते हैं कि अक्सर मैं रात के वक्त रियाज करने लग जाता हूँ या फिर लिरिक्स लिखने लग जाता हूँ। तो ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मैं तो एज ए एक मतलब अपने उसमें लाइन में स्ट्रगलिंग मोड पर हूँ, तो सर के साथ जो मैंने सर का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है इंडस्ट्री के अंदर, तो मैंने सर का वो जो एक्सपीरियंस वहाँ देखा और जो गेन करी मैंने चीज़ें, कि रात का वक्त ऐसा है वहाँ पर ज़्यादा क्रिएटिविटी हो जाती है। और शूलिनी भजन के लिए मेरा सर से जो डिस्कशन हुई, मैंने सर को कहा सर ये पहला भजन बनने जा रहा है और एक अच्छे स्तर का हमने इसे बनाना है, तो इसमें कुछ डिफरेंट और इसमें कुछ क्रिएटिव होना ज़रूरी है, और बिल्कुल माता रानी की वो कृपा हुई कि भजन इतना सुंदर बन के निकला। बिल्कुल बेहतर जी। तो उसके बाद हमने इसे रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद शूटिंग के लिए मेरा सपना ऐसा मानना था कि मैंने सोलन एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी परमिशन को लेना, मैंने ठीक समझा जी, जी। तो सोलन एडमिनिस्ट्रेशन से हमें परमिशन मिली 31 और 1 तारीख जी पिछले महीने, तो 2 दिन हमने इसे शूट किया, सोलन लोकेलिटी में शूट किया, मंदिर परिसर, मंदिर दरबार में, भवन में जी। और जो एक परिवार जो माता रानी के साथ उस इतने टाइम से जुड़ा है, जो पुरोहित हैं, उन्हें भी हमने शूटिंग में लिया। क्या बात है, बिल्कुल मैंने जी जी वीडियो देखा है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाकर जो है वो ज़रूर देख सकते हैं, बेहतरीन वीडियो और साथ ही साथ गाना, और बीच में हम आपको इस इंटरव्यू के बीच में भी आपको जो है वो इसकी थोड़ी थोड़ी झलकियाँ ज़रूर दिखाएंगे जी। बिल्कुल जी। तो उन्हें भी हमने इस इंटरव्यू में बीच में शूटिंग के दौरान जो माता रानी के दरबार का जो शूट है उसमें लिया है, और इसके लिए शूटिंग के लिए जो वीडियो डायरेक्टर हैं सनी शांडिल जी बिल्कुल जी, उनका बहुत सहयोग रहा। और मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो एडिटिंग पर मैं लगभग 4 दिन उनके साथ बैठा हूँ। अच्छा। और हमने इस वीडियो के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत पूरी टीम की लगी, बिल्कुल ड्रोन के शॉट्स जी, बिल्कुल और कुछ शॉट हमने इसके अपने जो मेरा गांव है, लोकेलिटी यहाँ खनौग गांव है, खनौग जी, उसके पास एक फैंटम हिल एक जगह है, बिल्कुल वहाँ पर हमने इसे फिल्माया है, और जो इसके और शॉट्स हैं सोलन बाजार के हमने इसमें शॉट लिए जी जी। अजय जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी स्कूलिंग की चिन्मय से, उसके बाद गीता आदर्श विद्यालय से आपने स्कूलिंग की, उसके बाद आपने +2 में कॉमर्स किया जी, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग, ये कॉमर्स के बाद इंजीनियरिंग का जो है वो मोड कैसे लाइफ में आया, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बिल्कुल बारे? मैं बताना चाहूँगा, +2 मेरी कॉमर्स में हुई, उसके बाद जैसा अपना होता था कि हाँ बिल्कुल कॉलेज ज्वाइन करना है, आगे कॉमर्स लाइन को कंटिन्यू करना है, लेकिन क्या आप शरारती थे कुछ? हाँ, मैं स्कूल टाइम में बहुत शरारती रहा हूँ जी, बहुत ज़्यादा शरारती रहा हूँ, और मेरे टीचर्स जो आज मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट फेसबुक पर देते हैं, मिलते हैं, कभी गालियाँ देते होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब हर तीसरे चौथे दिन में प्रिंसिपल रूम में होता था। अच्छा, मतलब आप शैतान थे जी, बिल्कुल मैं बहुत शैतान था, और
मतलब महीने में फादर का 2-3 बारी स्कूल आना वो परमानेंट था। क्या कि उन्हें बुलाया जाता था कि यार ये बहुत ज़्यादा शरारती है, शरारती करता है, और ज़्यादा मेरा कल्चरल एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में। अच्छा। तो क्लास में मैं कम ही एक्टिव रहता था। तो एक बहुत बड़ा कारण था। तो फादर ने डिसाइड किया कि इसे बाहर भेजना है तो फिर हमीरपुर भेजना है, तो वहाँ डिसाइड हुआ। और मैं इसे भी संजोग मानता हूँ माता रानी का कि परमजीत सर हमीरपुर होते थे और मैं हमीरपुर गया सोलन छोड़कर, और वहाँ मेरी सर से मुलाकात पहली बार। कैसे, कुछ जानना चाहेंगे कैसे हिस्ट्री रही, कैसे उनके साथ आपका उठना बैठना हुआ और ये प्यार बढ़ा? जी बिल्कुल, मैं बता दूँ, परमजीत सर भैरवी स्टूडियो के साथ साथ सर के एक निजी स्कूल में भी सर का अपने क्लासेस के लिए जाते हैं, बच्चों को शिक्षा देने के लिए जाते हैं। तो उस स्कूल का जो कॉलेज है पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, मैं वहाँ स्टूडेंट था और मैं हॉस्टलर वहाँ रहा हूँ। तो मुझे पता लगा था, जिनसे मैंने सैक्सोफोन की शिक्षा ली है श्री परमानंद कश्यप जी, उनसे मुझे पता लगा था कि हिमाचल के डायरेक्टर हैं परमजीत पम्मी जी, वो वहाँ स्कूल में क्लासेस लेते हैं बच्चों की। अच्छा। तो मुझे पता था, लेकिन अब वो इतना डर मन में था कि कैसे बात करूँ, बात करूँगा क्या बोलूँगा, तो कभी बात नहीं हुई। हाँ, वो कुछ भी कॉम्पिटिशन्स होते थे तो सर होते थे, सामने होते थे, तो वहाँ उस टाइम भी ड्रीम रहता था कि यार सर के साथ प्रोफेशनली जुड़ना जाए। बस वो माता रानी के पास ही इस चीज़ का जिक्र होता था, और माता रानी ने वो संदेश पहुंचा दिया। बिल्कुल। और अल्टीमेटली आपने उनके साथ काम किया। जी बिल्कुल, मैंने काम किया, और मेरे आने वाले जितने भी ट्रैक हैं वो सारे परमजीत सर के ही उसमें बनने हैं, और भैरवी स्टूडियो से ही वो सारे ट्रैक हैं। जी जी, पम्मी जी की तो बात जितनी तारीफ करे उतनी कम, क्योंकि उन्होंने हिमाचल के लिए ऐसे ऐसे आर्टिस्ट दिए हैं जो आज चरम पर पहुंचे हुए हैं। कुलदीप शर्मा की बात कर लो या फिर रघुवंशी की बात कर ले, हम बिल्कुल, तो सभी जो है वो अपने चरम पर है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसे ही चरम पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि अजय जी जो है ये BDC का इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा था 2015 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, और यू आर द यंगेस्ट पर्सन इन द ब्लॉक, है ना? तो ये मतलब राजनीति के पीछे आपका इंटरेस्ट कैसे लगा? पहले आप कॉमर्स, फिर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, फिर 2 साल सिविल इंजीनियरिंग की, वो भी कंप्लीट नहीं किया आपने? वो कंप्लीट नहीं की, कंप्लीट नहीं, मैंने सेकंड ईयर में उसे छोड़ दिया था। जी जी, उसके बारे में भी पूछेंगे कि क्या रीजन थे। उसके बाद जो मेरे पॉलिटेक्निकल खत्म करने के बाद जब मैं आया, तो उस टाइम 2015 में इलेक्शन का, जो हमारे पंचायत इलेक्शन होते हैं उसका दौर था। तो किसने मोटिवेट किया कि आप? फादर ने, मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया, और जो साथ में जो मेरे गांव के लोग हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि हमें इस तरीके से आगे करना है। और हमें लगता है दरअसल स्कूल टाइम में मैं बड़ा एक, मतलब उसमें एक मुझे वहाँ भी एक रोल दिया गया था, बिल्कुल दिया गया था एज अ लीड। मैं हमेशा हर चीज़ में, NCC तो नहीं हमारे यहाँ होती थी, प्राइवेट में हमें जो 15 अगस्त की परेड होती थी उसमें मैक्सिमम टाइम लीड करता था, स्कूल में स्पोर्ट्स में लीड करता था, हेड बॉय हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ, +2 में मुझे स्कूल डिसिप्लिन कैप्टन बनाया था, वो शायद इसलिए बनाया होगा कि मैं सबसे शरारती था तो हो सकता है, लेकिन मैं +2 में 2012 में स्कूल डिसिप्लिन कैप्टन था। अच्छा, तो अच्छा। मुझे उन्होंने, गांव वालों ने या जो मेरे फादर हैं उन्होंने मुझे कहा कि 2015 हम BD सिलेक्शन फाइट करेंगे, और बहुत अच्छा उसमें प्यार मिला, और ये मेरे लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लाइफ में इकट्ठे करता है वो कम होते हैं। बिल्कुल। तो अजय जी, अब मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब आप स्कूलिंग आपने शुरू की, आपके पिताजी जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर है, जागरण में भी जो है वो माता के दरबार में जाते हैं, तो ये इंस्पिरेशन आपको क्या अपने पापा जी से मिली, या फिर कहीं बाहर से जो है वो आपने सोचा कि ये कितना अच्छा गाता है, लोग इतना प्यार करते हैं, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? मैं बता दूँ, एक हर चीज़ का बेस होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो मैं ज़िंदगी में इस चीज़ को मानता हूँ कि मेरे फादर मेरा बेस है। उसके बाद जैसे जैसे निकलता रहा, अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़ता रहा, तो इंस्पिरेशन तो हर मोड़ पे किसी ना किसी को मान के मैं चला हूँ और आगे भी चलूँगा, तो लेकिन बेस मेरे फादर हैं, और जैसे जैसे आगे देखता रहा, सीखता रहा, तो इंस्पिरेशन इसमें बहुत से लोग मेरे साथ मेरे। तो आपको कहीं ना कहीं लगता, ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ जो है वो पहले काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल थी, पहले सिंगिंग, फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक, फिर उससे पहले कॉमर्स, फिर सैक्सोफोन की तरफ आप गए, फिर वोकल्स की तरफ, लेकिन अब जो है वो लगता है कि वोकल्स पर ही आप। जी, मैं बता दूँ, इन बिटवीन वो, फिर जब वो कॉलेज का दौर खत्म हुआ और वो आधे में मेरा कॉलेज छूट गया था, उसका तो रीज़न भी हम जानना चाहेंगे, क्या वजह थी जो सर? वजह उसकी ये थी कि मेरा ऐसा मानना था, मेरी मेंटेलिटी ये थी
कि सोलन एक हब हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, तो लोग पूरे हिमाचल से बाहर से पढ़ने सोलन आते थे। तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं ऐसे रहता था कि यार सोलन इतने बच्चे पढ़ने आते हैं बाहर से, फॉरेन से, अदर स्टेट से, और मैं यहाँ से उल्टा हमीरपुर जा चुका हूँ। तो मेरी एक ही मेंटेलिटी हमेशा मेरे को, मुझे बहुत दुख इस चीज़ का रहता था कि यार मेरे घर वालों ने मुझे इतना दूर भेजा है हमीरपुर। अच्छा, तो वहाँ और ऊपर से हॉस्टल की लाइफ में हमेशा घर में पला हूँ, माँ बाप के साथ रहा हूँ, भाई बहनों के साथ रहा हूँ, तो हॉस्टल की लाइफ एक वो भी अलग एक्सपीरियंस था। तो वहाँ वो ज़्यादा टाइम मेरा कंटिन्यू करने का नहीं रहा, और वो एक सबसे बड़ा रीज़न रहा कि मैं अपनी लोकेलिटी अपने सोलन से बाहर था, तो मेरा वो रीज़न एक छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये था। अच्छा, जी क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। अब आपके अगर माता जी की हम बात करें तो माता जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो हाउस वाइफ जी, बिल्कुल घर का बिल्कुल काम और सब कुछ देखते हैं जी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि जब आर्टिस्ट जो है वो यहाँ से वहाँ पर पहुँचता है, तो चरम पर जब पहुँच जाता है उस टाइम पर अपने संस्कारों को जो है थोड़ा छोड़ देता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि संस्कार और माँ बाप जो है वो एक सिंगर की, एक आर्टिस्ट की लाइफ में कितना मैटर करते हैं? मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम किसी भी मुकाम पर पहुँच जाएँ और किसी भी स्टेज पर हों या कहीं भी हम जिंदगी में पहुँच जाएँ, सफलता हमें मिले, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो माँ बाप के दिए गए संस्कार हैं, जो बचपन से उन्होंने हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं, पाला है, शिक्षा दी है, संस्कार दिए हैं, तो हम कहीं भी पहुँच जाएँ, उन सबको मेरा ऐसा मानना है कि वो जो जितनी भी पॉपुलैरिटी वो हमें मिलती है उसको होल्ड करने के लिए उनके संस्कारों का एक बहुत बड़ा रोल मैं मानता हूँ। बिल्कुल, वो रूट्स आपकी अगर पक्की हैं तो आपको जो जितनी पॉपुलैरिटी मिल रही है या मिलने वाली होगी उसको आप बहुत टाइम तक उसको आप कंट्रोल करके रख सकते हैं, बिल्कुल, और उस लाइफ को जी सकते हैं अगर आपके माँ बाप के संस्कार को आप साथ लेकर चलें जी। मेरा बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया आपके विचार जी, हैं अजय जी। अब आगे बात शुरू करने से पहले जो है वो भजन भी हम थोड़ा सा आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, इतना बेहतरीन भजन आपने गाया, तो कुछ लाइन्स हो जाएं जी। शूलिनी मैया तेरी जोत जगाऊं, आऊं तेरे दरबार, अंबे रानी करनी जय जयकार, भगतां दे दुखड़े तू कट दी। शूलिनी मैया तेरी जोत जगाऊं, आऊं तेरे दरबार, अंबे रानी करनी जय जयकार, भगतां दे दुखड़े तू कट दी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। थैंक यू सर। शूलिनी मैया तेरी जोत जगाऊं, आऊं तेरे दरबार, अंबे रानी करनी जय जयकार, भगतां दे दुखड़े तू कट दी। शूलिनी मैया तेरी जोत जगाऊं, आऊं तेरे दरबार, मैं अंबे रानी करनी जय जयकार, भगतां दे दुखड़े तू कट दी। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके पिताजी जी जो कि पहले पटवारी रह चुके हैं, उसके बाद नायब तहसीलदार रिटायर्ड है जी, तो कहीं ना कहीं तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये ऑफिशियल्स जो होते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बंदिशें होती हैं, तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा रहा है कि आपके पिताजी ने आपको बंदिशें लगाई हो कि ऐसा नहीं करना है, ये करना है, वो करना है कुछ? जी, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ऐसा अक्सर होता है कि जो ऑफिसर लाइन्स में रहते हैं उनके अपने रूल रेगुलेशन है, जिंदगी जीने के कुछ अलग प्रिंसिपल उनके रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम में रखा। हाँ, मुझे इस चीज़ का हमेशा था कि एक जो उनका उनके संस्कार मेरे साथ जुड़े थे, मैं एक उस दायरे में रहूँ, हमेशा रहूँ, लेकिन कभी भी किसी चीज़ के लिए उन्होंने मुझे नहीं वो किया, जो कि जैसा जिक्र मेरी स्कूल लाइफ से लेकर अभी तक का है कि मैंने कॉमर्स लिया, फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए गया, फिर उसके बाद इलेक्शंस हुआ, उसके बाद मैंने लगभग 2-2.5 साल मेडिकल डिपार्टमेंट में भी जॉब किया। उसके बारे में भी ज़रूर हम बात करेंगे कि उस तरफ आपका रुख कैसे हुआ। तो जी, जब मेरा वो इलेक्शन का मेरा दौर ख़त्म हुआ, तो शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक ज़िंदगी के पड़ाव में माता रानी का मेरा एक बहुत सहयोग, माता रानी का आशीर्वाद मुझे बहुत मिला है, और उसने मुझे हमेशा एक राह दिखाई है, उस पर चलना सिखाया है। तो लगभग 2.5 साल मैंने मेडिकल
एक निजी अस्पताल में एज अ मार्केटिंग मैनेजर मैंने 2.5 साल जॉब किया और अभी रिसेंट मैंने उस जॉब को रिजाइन किया है और अपना म्यूजिक को मैंने एक फोकस करके रखा है। जी जी, तो वो मेडिकल लाइन में आने के लिए जो है वो आपको मतलब क्या लगा आपको कि इसमें मुझे जाना चाहिए, क्योंकि आप सिंगिंग में थे, सैक्सोफोन आप बजाते थे, फिर इस तरफ मार्केटिंग की तरफ रुक कैसे आपका? जी मैं बता दूं, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, इसके लिए मैं जिन्हें क्रेडिट देना चाहूँगा वो भी मेरी ज़िंदगी में मैंने जो कुछ सीखा है या एक प्रोफेशनल लाइन में आने के लिए जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो मेरे गुरु हैं श्री पृथ्वी सिंह जी। जी, उन्होंने मुझे इस फील्ड में, क्योंकि मैं बिल्कुल कॉमर्स लाइन में था, इंजीनियरिंग लाइन में था, तो मेडिकल लाइन के लिए मैं मेरी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी बिल्कुल, तो लेकिन सर ने मुझ पर इतना फेथ दिखाया और सर ने मुझे उस जॉब के लिए इंटरव्यू करवाया और मैंने इंटरव्यू पास किया और लगभग 2.5 साल मैंने जॉब किया। और मैं जॉब के अलावा ये मानता हूँ कि जो उनसे मुझे सीखने के लिए मिला है शायद ये पूरी ज़िंदगी में मेरे काम आने वाला है। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। अजय जी, सिंगर जो है वो जैसे ही सीखना शुरू कर देते हैं वो रियलिटी शोज़ की तरफ जाना शुरू करते हैं, स्टेजेस पर जाना शुरू करते हैं, तो आपका क्या कहना है रियलिटी शोज़ के बारे में कि आपने कभी इस तरह के शोज़ में पार्टिसिपेट किया है, किस तरह से आपका सामना हुआ है? जी बिल्कुल, ये भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस का एक हिस्सा जुड़ा है जहाँ से मुझे शायद बहुत ज़्यादा एक प्रोत्साहन मिला कुछ करने का। स्कूल टाइम में भी मैंने काफ़ी ऑडिशंस दिए हैं, कॉलेज टाइम में भी देता हूँ, उसके बाद भी ये दौर चलता रहा, लेकिन मैं मेरी पर्सनल निजी राय मेरी ये है कि मैं रियलिटी शोज़ और उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मैंने दिया नहीं कभी। उसके पीछे कारण कुछ ऐसे रहे, जरूर जानना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसके पीछे कारण ये रहे कि मेरा ऐसा मानना है कि हालांकि कला कार्य की उसे नहीं, एक प्रोफेशनल उसे नहीं बात करूंगा, एक सिंगर बात करूंगा, जो बच्चा एक सीख कर कुछ जाता है और खुद को एक मतलब कंपटीशन में कहाँ स्टैंड कर पाता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मेरे साथ, मैं अपनी निजी बात करूंगा, पर्सनल लाइफ की बात करूंगा, कि जो एक मेरे साथ मैंने वो चीज़ एक फेस जो वो चीज़ें करी हैं जो मुझे बड़ा मेरे दिल को उससे दुख हुआ है, वहाँ से मेरा एक मतलब बड़ा एक दिल टूट चुका था कि यार नहीं मैं, और मैंने इस चीज़ के लिए ठान ली थी कि मैं कभी रियलिटी शोज़ और ऑडिशंस में नहीं जाऊँगा, कुछ करूँगा तो अपने दम पर करूँगा और माता रानी के सहारे करूँगा, उनके आशीर्वाद से करूँगा, रियलिटी शोज़ को मैंने ज़्यादा महत्व कभी दिया नहीं है। जी, आपका स्ट्रगलिंग फेस भी रहा होगा, बहुत सारे सिंगर्स के साथ ऐसा होता है कि वो परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, उनको कह दिया जाता है कि आपको टाइम मिल जाएगा, 5 मिनट का टाइम है, 7 मिनट का टाइम है, जैसा भी होता है प्राइम नाइट्स या जो भी होती है स्टार सिंगर्स की, तो आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप भी कहीं परफॉर्म करने गए हो, आपको भी टाइम दिया गया हो और फिर बाद में बोले कि अजय जी अब तो टाइम नहीं है, आप घर जाओ? बिल्कुल सर, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, स्ट्रगलिंग टाइम जैसा अभी है वैसे स्ट्रगलिंग टाइम उस टाइम भी था, तो एक कलाकार को एक स्टेज की ज़रूरत, मेरा ऐसा मानना है कि वो स्टेज का भूखा होता है, और मेरे दिल में भी हमेशा से ये बात रहती थी कि यार मुझे स्टेज मिले, मैं गाऊँ, एक बड़ा मेरा एक शौक रहता था और मेरा एक इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा था, तो कई प्लेटफॉर्म ऐसे हुए कि जहाँ मैं गया गाने के लिए, और एक ऐसे किस्सा मुझे एक याद है, जरूर, आज से लगभग 2 से 2.5 साल पहले ये किस्सा हुआ था, एक स्टेज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर हमने एक ऑडिशन दिया था उसके लिए, तो जब वो कॉम्पिटिशन के लिए हम लगभग 15 लोग उसके लिए सिलेक्टेड थे, और स्टार नाइट एक बहुत बड़े हिमाचल के सिंगर की वहाँ स्टार नाइट होनी थी, ओके, तो लगभग मुझे याद है कि लगभग 7वां 8वां नंबर मेरा कॉल हो चुका था, अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि जैसे वो अपना नाम सब कुछ बता रहे थे, जी जी, तो लगभग मैंने 2.5 घंटा वेट किया, और मुझे जब पता लगा कि लगभग 10 से ज़्यादा हो चुके हैं और मेरा नाम अभी तक नहीं आया है, तो जो ऑर्गेनाइजर थे मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा जी थोड़ा टाइम आप रुकिए, बिल्कुल आपको दे रहे हैं, करते करते लगभग 3 से 3.25 घंटे उस चीज़ को बीत चुके थे, और एट द एंड जब मुझे सामने दिखा कि जिनकी स्टार नाइट थी हिमाचल के इतने बड़े सिंगर वो हैं और वो बिल्कुल सामने मेरे खड़े थे, तो एट द एंड मुझे कहा गया कि अजय आपको नहीं हम टाइम दे पाएंगे और आप रहने दीजिए और नेक्स्ट टाइम कभी आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे हम गवा देंगे। जी, तो मैंने रिक्वेस्ट भी करी, मैंने हाथ भी जोड़े, रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज़ 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट गाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन नहीं उन्होंने मुझे गाने दिया, तो एक मेरी वहाँ से मुझे शायद, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये भी एक उस स्टेज का एक ऐसा वो किस्सा रहा है कि वहाँ से मुझे और ज़्यादा होता था कि नहीं यार मैं करके दिखाऊंगा। अजय जी ऐसा होता है इस स्टेज पे, ऐसा होता है या तो इंसान बिल्कुल टूट जाता है, जी, वो या तो गिव अप कर देता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि आपके साथ ऑपोजिट हुआ, आपने इसको एज अ पॉजिटिव कि आपको कुछ बड़ा करना है, और फिर उसके बाद हमेशा हुआ है। मैं बता दूं, मैं लगभग 13 सालों से जागरण कर रहा हूं, जी,
तो जब वो भी लगभग 5-7 साल पहले वो भी मेरा एक मतलब शुरुआती दौर था, तो जो हमारे लोकेलिटी में या बाहर के जो कलाकार होते थे उनके साथ मैंने जाना शुरू करा, गाना शुरू करा, तो उस समय भी वो रहता था कि यार मैं इनके साथ गाऊं, वो करूं, मुझे मौका दें। तो मैक्सिमम बार अच्छे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छे जागरण्स में भी, मतलब वहाँ भी मैंने ये चीज़ फेस की है। अच्छा। कि वहाँ भी मतलब गाने का मौका नहीं दिया जाता था, तो एक निराशा तो उस टाइम पर होती थी, लेकिन हमेशा से दिल में एक बात रही कि इसको मैं पॉजिटिव में लूँगा और इसको अच्छा करके दिखाऊँगा। और मैं आपको बता दूँ कि मैं जो आज से 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि जिस स्टेज से मुझे वो हुआ था कि गाने का मौका नहीं दिया था, और अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले की बात, मैं उस स्टेज पर मुझे बुलाकर और मैंने उस स्टेज पर एज अ परफॉर्म, उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने परफॉर्म किया। बढ़िया टाइम देके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, जब से आपका ये भजन निकला है शूली मैया पर, उसके बाद से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? लोगों की कॉल आना शुरू हो गया होगा, सोशल मीडिया पर जमावड़ा शुरू हो गया होगा, बुकिंग से अगर मैं बात करूं, तो वो भी हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपकी लाइफ जो है वो इसके बाद चेंज हुई। मैं बिल्कुल बता दूं, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, शूलिनी माता का भजन एक स्टोरी बेस भजन है, और एट द एंड हमने इसे नाम दिया है रियल स्टोरी। लेकिन जब हमने इसे शूट किया था तो परमजीत सर, सनी सर, हमने बैठ के एक स्टोरी इसकी ये बनाई थी, ये स्टोरी बनाई थी। कुछ माता रानी का मैं इसमें कुछ वो कहूँगा, या इत्तेफाक एक ज़िंदगी का ऐसे कहूँगा कि शूटिंग कंप्लीट होने के 15 दिन बाद वो मेरी स्टोरी जो एक हमने बनाया था वो रियल एक्चुअल में वो मेरे साथ हुआ है। अच्छा। जी बिल्कुल, रियल में मेरे साथ हुआ है। और उसका जो भजन का जो एंड है, लगभग जो उसके कुछ अंतिम मिनट्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि उसमें दिखाया गया कि मुझे अच्छी पॉपुलैरिटी जो हमने शूट किया एक स्टोरी में, कि अच्छा सब कुछ मिल जाता है, अच्छा मुकाम मिल जाता है, तो शायद मैं वो चीज़ मान रहा हूँ कि वो सच में सब कुछ मेरे साथ, एक सच्चाई वो मेरे साथ, मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। और उस भजन के बाद जो टर्निंग पॉइंट मैं अपनी ज़िंदगी कैसे मान रहा हूँ, क्योंकि हालाँकि मैं अभी भी स्ट्रगलिंग मोड पर हूँ, तो लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, सोलन से बाहर लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर मैसेजेस लोग फॉलो कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, और जितना अपना हमारा सोलन का लोकेलिटी एरिया है, लोग जानने लगे हैं, मतलब बात करने लगे हैं और बधाइयां दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और मैं इसके लिए सोलन के जितने भी सोलन वासी हैं उनका धन्यवाद करूंगा, प्रदेश वासियों का, सभी का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप सभी का इतना प्यार मुझे मिला। जी अजय जी, अब ये जनता ये भी जानना चाहेंगी जो हमें देख रहे हैं कि हमारे अजय जी क्या सिर्फ भजन ही गाते हैं, या फिर कुछ पंजाबी, या फिर कुछ तड़केदार? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सभी को बता दूँ, मैं भजन के साथ साथ पंजाबी भी गाता हूँ। और मेरा एक कुछ महीनों पहले एक सुन कदे सजना करके मेरा एक पंजाबी गाना भी YouTube पर है, हालांकि उसकी वीडियो भी पेंडिंग है, कुछ समय बाद हम उसे भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो पंजाबी मैं 2-4 लाइन्स हम जरूर सुनना चाहेंगे उस गाने जी के। बिल्कुल 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 जी। रब बंदे दी जाति को जिवे कपड़े दी जात है रूह, कपड़े दे विच रूह है लुकिया, जिवे रब बंदे विच तू आप ही बोले आप बुलावे, आप ही बोले आप बुलावे, आप करे हू तू माने आना माने दिलदारा, असा भी तेनू रब मन्या, दस होर केड़ा रब दा दवारा, दस होर केड़ा रब दा दवारा, असा भी तेनू रब मन्या, तू माने आना माने दिलदारा, असा भी तेनू रब मन्या। थैंक यू सो मच, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत सुरीले अजय भाई, थैंक यू सो मच, मजा आ गया गाना सुन के। अच्छा, तो अब हम ये भी जानना चाहेंगे, और साथ ही में जो आपके फैंस है, जनता है, वो भी जानना चाहेगी कि इन फ्यूचर आपके क्या प्रोजेक्ट्स जो है वो अब रहने वाले हैं, क्या कुछ आप जो है वो फ्यूचर में लेकर आ? जी बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा लाइट टाइम टीवी के माध्यम से कि अभी अक्टूबर में
हम सोलन फोक जो हमारा है हम उसे लेकर आ रहे हैं और जो सोलन हमारा फोक जो गिद्दा मैं कहूँगा जो गिद्दा हमारा फोक है उसे हम थोड़ा मॉडर्न करके आप सभी के सामने दर्शकों के सामने उसे लेकर आ रहे हैं तो अक्टूबर के मिड में वो हम रिलीज करने जा रहे हैं जी बिल्कुल और उसके बाद मेरे दो ट्रैक माता रानी पे ही मेरे दो ट्रैक और आने वाले हैं तो बैक टू बैक हम माता रानी के ट्रैक ही अभी वो करेंगे लगभग दिसंबर तक का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सोलन गिद्दा और उसके बाद माता रानी के दो ट्रैक जी बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। अजय जी ऐसा होता है कि स्कूल टाइम में हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं जी, जी, जी। वो उस टाइम पर गाली गलौज भी करते हैं प्यार भी बना होता है और कहते हैं कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता तो अब जब वो आपको याद आज करते होंगे फेसबुक पर व्हाट्सएप पर या किसी भी सोशल मीडिया पर तो क्या उनकी तरफ से प्रेज मिलती है कि भाई तू तो चमक गया ऐसा हो गया ये हो गया वो हो गया उसके बारे में क्या जी बिल्कुल मैं जैसे कि मैं बता दूं स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में तो संगीत तो हमेशा साथ जुड़ा हुआ था तो उस टाइम भी दोस्त कहते थे कि यार कुछ करना चाहिए संगीत सीखना चाहिए लेकिन वो उस टाइम वो मस्ती वाला टीनेज एक दौर ऐसी होती है कि उस समय ज़्यादा फोकस नहीं इन सब चीज़ों पर करके मस्ती में ज़्यादा ध्यान रहता था तो आज जो लोग जो मेरे वो दोस्त स्कूल के कॉलेजेस के या मैं बात कर रहा हूँ कि आज से लगभग 96 या 97 में जब मेरी स्कूलिंग चली थी चिन्मय विद्यालय में तो आज भी वो जब आज जब उनके मैसेजेस रिक्वेस्टेज उनकी मेरे पास पहुँचती है रिक्वेस्ट पहुँचती है तो बहुत अच्छा लगता है कितना प्यार उनका मिलता है और आज उनकी जो कई मेरे फ्रेंड्स फॉरेन में भी हैं तो उनके भी इन बिटवीन मुझे कॉल्स आए मैसेजेस आए तो बहुत अच्छा लगता है कि सारा एक मतलब वो टाइम सा याद आ जाता है जब उनकी कॉल्स बचपन की पुरानी याद है बिल्कुल जी। साथ ही में पेरेंट्स का भी जो है वो एक होता है कुछ पेरेंट्स होते हैं जो खुद तक बात रखते हैं कुछ पेरेंट्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं तो आपके पेरेंट्स का जो है वो कैसा रिएक्शन रहा जब आपने ये इस तरह के बेहतरीन खूबसूरत ये जो भी धार्मिक गाना निकाला है मेरी फैमिली का मेरे माता पिता का हमेशा से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और इन फ्यूचर भी मैं इस चीज़ को शेयर करना चाहूँगा अपने पर्सनल लाइफ की मेरी एक बात है कि एक ये दौर ऐसा है कि मैं एक मेडिकल उससे निजी अस्पताल से जुड़ा हुआ था और लगभग 2.5 साल मैंने वहाँ जॉब की है तो एक ऐसा टर्निंग फेस है कि मैंने जॉब रिज़ाइन की है तो नेचुरल है कि थोड़ा सा वो पूरी फैमिली के लिए वो रहता है कि हाँ 1.5 साल बाद एक जॉब को रिज़ाइन करना डेफिनेटली लेकिन मैं सभी को बता दूं कि मैंने अपनी जो जिंदगी की बागडोर है वो माता रानी के भरोसे छोड़ रखी है क्या बात? और माता रानी दे रही है जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपको कॉल्स आ रहे होंगे बुकिंग सारी होगी बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा ये जो अभी लगभग 1.5 हफ्ता जो बीता है इसमें बहुत सी कॉल्स बहुत सी शो के लिए जागरण के लिए बुकिंग्स नवरात्र जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल तो ये माता रानी की कृपा है मेरा ऐसा मानना है कि अगर माता रानी एक दरवाजा बंद करती हैं तो 4 दरवाजे आपके लिए जरूर खोलेगी मेरा ऐसा मानना बिल्कुल सही बात है तो ये बेहतरीन बात है यहाँ पर मनोज ठाकुर यानी कि मैं और मैं साथ में अजय भारद्वाज जी हमारे बीच में हुई अजय जी अब मैं यही चाहूंगा कि आप भी जो है वो परमजीत पम्मी के साथ मिलकर जो है वो चरम सीमाओं को छुएं बिल्कुल आप भी जो है वो सक्सेस हो जाए जो आप कह रहे हैं जैसे कि अभी स्ट्रगलिंग फेज चला है तो ये धीरे धीरे अब जो है वो ओवरकम होना शुरू बिल्कुल बिल्कुल तो आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आपके जीवन के पहलुओं के बारे में जानने की हमने कोशिश की लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद और मैं लाइव टाइम टीवी का मनोज जी का और इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सभी का पहले भी बहुत प्यार मिला है और अभी भी मिल रहा है और आशा करूंगा कि इन फ्यूचर भी आप सभी का बहुत प्यार मिलेगा जी और सभी दर्शकों को अभी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा धन्यवाद जय माता दी जय माता दी जय माता दी देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी मैं हूँ मनोज ठाकुर मेरे साथ है वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा दरबार मैं अंबे रानी करी जय जयकार भगता दे।